आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में 6 साल की बच्ची के अपहरण मामले में आरोपी बनाए गए मोले रावत ने खुद को बेकसूर और पुलिस को गलत ठहराया है। पुलिस लॉकअप में सुसाइड की कोशिश करने वाले आरोपी ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां एक सप्ताह पूर्व शहर की सोमवारी बाजार से 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। बच्ची के अपहरण के बाद तलाश में जुटी पुलिस की टीमों ने 3 दिन बाद बच्ची को दस्तयाब करने में सफलता पाई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें बताया गया कि एक महिला की मदद से अपहृत बच्ची को दस्तयाब किया गया है। इस खुलासे में पुलिस ने उस महिला को भी सामने लाया था, जिसकी मदद से पुलिस को सफलता मिली। लेकिन इस सब के बाद अपहरण के आरोप में गिरफ्तार मोले रावत ने पुलिस लॉकअप में गले में पड़ी लॉकेट के धागे से सुसाइड करने का प्रयास कर लिया। आरोपी द्वारा किए गए सुसाइड के प्रयास के संबंध में जब जानकारी ली गई तो उसने पहले तो खुद को बेकसूर बताया और खुद बच्ची को पुलिस तक पहुंचाने की बात कही है। आरोपी मोले रावत का आरोप है कि पुलिस ने उसे उसकी पत्नी को फर्जी तरीके से फंसाया है, जबकि उसने बाजार में भटक रही बच्ची को पनाह दी थी। आरोपी ने कहा कि पुलिस उसे अच्छा काम करने पर इनाम देने की बजाय जेल भेजने की तैयारी में है, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। क्या करें सर, एक सोमवारी बाजार में एक लड़की 5:30 बजे बजह पर परेशान थी, छोटी थी, 5 साल की थी। उसको रात के मैं जब आया यहाँ पे देखा कारोबार, हम भी आए, हमारी बीवी भी आई, हमारा कोतवाली में इतना दुर्दशा हमको देखने को मिला कि जब दो दो जन हम लोग हैं, अच्छा काम किए हैं, तो एक आदमी को छोड़ देना चाहिए। वो भी परेशानी बिचारी, हम भी परेशानी, तो हमने अपने औरत के देखते हुए अपने औरत के मसीहा देखते हुए अपनी आत्महत्या करने का प्रयास कर दिया। कहीं क्लब दा अपने सामने देखे बोले धागा था वहीं अंदर जी, उसी को हम से अपना गला में बांध लिया और मरने की प्रयास किया। मौले रावत